ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष ट्राई वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जापानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सोनी की ओर से आने वाला एक और नया डिवाइस सोनी एक्सपीरिया XJ2 प्रीमियर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो स्मार्टफोन है सोनी की ओर से कल ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए, यही है इस स्मार्टफोन का इमेज। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आपको ब्रांड देखने को मिल जाएगा सोनी, मॉडल है XJ2 प्रीमियर। यहाँ पे बात करें नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में, तो डुअल सिंगल सिम स्मार्टफोन है, सिंगल नैनो और इंडियन बैंड 4G को सपोर्ट कर लेता है। साथ ही साथ ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 8.2 ओरियो लेटेस्ट पे वर्क करता है। बात करें यहाँ पे डिजाइन की, डिजाइन बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही कमाल का, क्योंकि यहाँ पे आपको IP65 और साथ ही साथ IP68 रेटिंग देखने को मिलता है, यानी कि डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ दोनों आपको आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें हाइट की, तो यहाँ पे तकरीबन 158 mm की हाइट देखने को मिलती है, 80 mm की विड्थ देखने को मिलती है और तकरीबन 10 mm की विड्थ यहाँ पे आपको थिकनेस देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है वो भी है बहुत कमाल का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5.8 इंच का 4K डिस्प्ले, जहां पे आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है तकरीबन 707 यानी 760 ppi पिक्सल पर इंच। यहां पे आपको कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, साथ ही साथ IPS LCD पैनल भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि जो डिस्प्ले है वो बहुत कमाल का है। दोस्तों, बात करें यहां पे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी बहुत कमाल का है। यहां पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, जो क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसके 4 कोर बेस्ड है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पर और 4 कोर बेस्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर 64 बिट की देखने को मिल जाती है। जीपीयू की बात करें तो एंड्रीनो का 630 जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी कमाल का देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो डिवाइस का परफॉर्मेंस है वो भी कमाल का देखने को मिलेगा, क्योंकि जीपीयू और सीपीयू दोनों कमाल का है। दोस्तों, बात करें इस डिवाइस में रैम की, तो आपको तकरीबन 6 GB की रैम भी देखने को मिल जाएगी इस डिवाइस में, 128 GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। बात करें यहाँ पे कैमरे की, तो आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा तकरीबन 13 MP का फ्रंट कैमरा, जहां पर आपको f2.2 की अपर्चर देखने को मिल जाएगी, जो बहुत कमाल का है। कमाल का तो नहीं है f2.2 का अपर्चर, लेकिन बहुत अच्छी आप सेल्फी ले पाएंगे उस डिवाइस से, क्योंकि जो कैमरा है वो बहुत कमाल का है। दोस्तों, बात करें यहां पे रियर में, तो रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 19+12 MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप। दोस्तों, यहां पे आपको f1.8 का अपर्चर देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से बहुत ही कमाल की फोटो आप ले पाएंगे रियर कैमरा से। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे जो fps है फ्रेम पर सेकंड, वो तकरीबन 960 fps आपको देखने को मिल जाता है इस डिवाइस में, जिसके माध्यम से जो सुपर स्लो मोशन है वो भी आप कैप्चर कर पाएंगे, जैसा कि आपको गैलेक्सी S9 प्लस में देखने को मिलता है। नॉर्मली तौर पर जो कैमरा है वो बहुत ही कमाल का है, गैलेक्सी S9 प्लस के टक्कर का कैमरा है। दोस्तों, बात करें पे बैटरी की, तो आपको देखने को मिल जाती है तकरीबन 3540 mAh की बैटरी, और यहाँ पे आपको क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और नॉर्मली जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, जो एक पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो ऐसे में बैटरी बैकअप आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें यहाँ पे कुछ और जनरल स्पेसिफिकेशन, जैसा कि वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, तो ये सब आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट इस डिवाइस में देखने को मिलता है, USB Type-C कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाता है, लाउड स्पीकर भी इस डिवाइस में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें कुछ और सेंसर, जैसा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, फिंगरप्रिंट, तो नॉर्मली यहाँ पे आपको सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसके माध्यम से बहुत ही कमाल की आपकी प्राइवेसी रहेगी। साथ ही साथ जायरोस्कोप दिया गया, तो VR का लुत्फ भी आप उठा पाएंगे। तो नॉर्मली सभी प्रकार के सेंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यही है इस स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन को देखें तो बहुत ही कमाल का डिवाइस, तो नॉर्मली तौर पे बहुत कमाल का डिवाइस है, बहुत कमाल का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और साथ ही साथ जो प्राइस है वो है तकरीबन 55,000 रुपए के आसपास, तो प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ब्रांड वैल्यू भी है सोनी का। तो नॉर्मली सोनी ने जैसा कहा था पिछले साल कि वो किसी से कम्पीट नहीं करेगी, लेकिन स्मार्टफोन बनाएगी तो नॉर्मली तौर पर स्मार्टफोन तो बहुत कमाल का उन्होंने निकाल दिया है। अब ऐसे में देखते हैं कितने लोगों को ये पसंद आता है। नॉर्मली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो बहुत लोगों को ही पसंद आना ही चाहिए। तो यही है दोस्तों मेरा ओपिनियन, जो स्मार्टफोन है बहुत कमाल का है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इस स्मार्टफोन को, क्योंकि बहुत कमाल का फ्लेक्सिबल डिवाइस है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।